तो भाई ये हम आ गए लक्ष्मण झूला पे। ये लिखा तीर्थनगरी ऋषिकेश आगमन पर आपका का हमें लगो हम पे कह रहे हैं। तो ये हुई अपनी जोरदार एंट्री लक्ष्मण झूला पे। तुम वो आए गई ओहो, ये देखो लक्ष्मण झूला। भाई मज़ा आ गया लक्ष्मण झूले पे, बहुत ही अच्छा लगा। ये देखो ये मेरे साथ नहीं है। लक्ष्मण झूला ट्रेवल करने के बाद अब हम जा रहे हैं शिवपुरी, और वैष्णव भैया सुमित भैया सोते रह गए, मैं और हमारे भैया जो है जा रहे हैं शिवपुरी। तो जहाँ पे हम लोग रुके थे वहाँ से शिवपुरी नियरली 11 किलोमीटर आ जाता है, तो रोक लिया है चेकिंग के लिए। यहाँ पे चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट तपोवन। तो यहाँ पे जो है आपकी कोविड रिपोर्ट चेक करी जा रही है। वो तो एंट्री पे चेक हो गई थी जब हम लोग ने एंट्री करी थी उत्तराखंड बॉर्डर पे, हमारी वहाँ पे एंट्री हो गई थी बॉर्डर से। तो यहाँ पे रोकने का क्या मकसद, तो अभी देखते हैं हम कहाँ जा रहे हैं। जब घर से निकले थे तभी नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, अल्मोड़ा जा रहे हैं कि हरिद्वार जा रहे हैं। ट्रिप बहुत ही जो है सस्पेंस में रही है, लेकिन व्यूज यहाँ से बहुत ही। वापस यहाँ से हरिद्वार जाएंगे, वहाँ से राजा जी नेशनल पार्क होते हुए, हाँ हाँ, जंगलों के रास्ते से होते हुए हम वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। यस, एक्सप्लोर करने वाले तो कर चुके हैं लेकिन हम तो पहली बार कर रहे हैं ना, तो हमारे लिए सब चीजें नई नई है। यही था, यही पुल था जिसे हम लोग गए थे। अंधाधुंध ट्रैफिक है, अंधाधुंध जहां तक नजर जाएगी ट्रैफिक ही ट्रैफिक। वो याद है स्कॉर्पियो लड़ी थी जो, स्कॉर्पियो कहां पत्थर पड़े थे सुबह, अरे हाँ लैंडस्लाइड हुई थी। बस है हाँ, तो यहाँ पे सुबह जो है हम लोग ने देखा था लैंडस्लाइड हुई थी, स्कॉर्पियो परखच्चा उड़ गए थे, एक गेट ही गायब हो गया था उसका। टाटा सफारी कहाँ जा रही है, जय भी डैमेज थी क्या, गलत उसमें चली गई, अच्छा गलत लाइन चली गई। भैया पुलिस वाला ने खड़े खड़े चालान काट दो सफारी को, और घुस लो गलत लाइन में, इनने सोची बड़ी गाड़ी ले आए तो घुसेड़ दिए बीच में, ऐसा हो ही नहीं सका। ये उत्तराखंड है भाई, ये उत्तराखंड है, तुरंत कटता है। ये हमारा है डे वन का नाइट वाला खाना, और वी ऑल आर वेरी वेरी हंग्री। बहुत सारे होटल में जाने के बाद हमें कहीं जाके ये सब खाने पीने को मिला। व्यू देखो, व्यू दिखाते हैं। तो ये देखो व्यू रात का, बस आपके लिए भाग के आए हैं रात में भाई लक्ष्मण झूले पे। तो फाइनली 10 बज गया है और हम और सुमित भैया कहाँ बैठे हैं, लक्ष्मण झूला के बिल्कुल फ्रंट पे बैठे हैं। आपको मैं दिखाऊं, ये रहा लक्ष्मण झूला। सुमित भैया ये भी अपनी जिंदगी में एक बड़ा अलग एक्सपीरियंस रहा,
कि वीडियो बन रही है और कहाँ बैठे हैं, लक्ष्मण झूला के सामने बैठे जो है एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और हमारे दोनों भाई लोग वैष्णव भैया और रोहित भाई दोनों लोग फोटो फोटो खींचने लगे हुए। अभी जो व्यू है ना वो कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है जितना अच्छा आप खुद आके अपनी आँखों से देखो। सही कहा भैया, सही कह रहे हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो खुद फील करी जाती हैं, वही एक है। बस गर्मी बहुत हालत खराब है। हाँ गर्मी तो भैया जो है बहुत ज़्यादा है। आप चलते हैं कमरे पे।